फ्रेंड्स दिस इज विनीत पांडे एंड राइट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है विनीत सर आप क्या कर रहे हैं रिजल्ट के लिए आज मेरे पास कुछ कमेंट्स आए बच्चों के यूट्यूब पे भी और मैसेज भी सर आप तो बड़ी आवाज़ उठा रहे थे आप तो बड़े प्रोटेस्ट करते थे अब क्या हुआ फिर मैंने देखा एक दो थमनील्स हम करेंगे यूजीसी का घेराव सो माई डियर फ्रेंड्स रिजल्ट आएगा आना है रिजल्ट वो नहीं रोक सकते प्रोटेस्ट वहां किया जाता है जहां जरूरी हो गड़बड़ हो रही है धांधली हो रही है प्रोटेस्ट बनता है आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी प्रोटेस्ट बनता है आपकी मेहनत से पैसे जो आपने कमाए हैं उससे फॉर्म भरवा के आपका एग्जाम कैंसिल होता है प्रोटेस्ट बनता है लेकिन किसी का गला नहीं दबा सकते जल्दी रिजल्ट दो रिजल्ट हम ऐसे मांग रहे हैं जैसे हम सारे टॉप करने वाले हैं जब हमें पता है कि एग्जाम 21 अगस्त को हुआ 21 अगस्त के बाद एक एग्जाम 4 सितंबर को हुआ और आपको याद होगा जब मैंने कहा था एक समय ऐसा आया था कि बच्चों ने अपनी साइड चुन ली अगर रिजल्ट की बात करें तो ये मेरा फेवरेट टीचर री एग्जाम की बात करें तो ये मेरा फेवरेट टीचर और मैंने जहां पे सिर्फ न्यूट्रल बातचीत की मैंने दोनों के फायदे बताए दोनों के नुकसान बताए वहां यह मेरा फेवरेट टीचर नहीं है ओहो ये ऐसे कर रहा है मैंने क्लियरली कहा था कि अगर 21 अगस्त को एग्जाम करवाया जाएगा दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि विनीत सर ना कोई दबाव में आके नहीं बोलने वाले हैं जो बोलेंगे वो साफ बोलेंगे यहां रिजल्ट के लिए कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है ये घेराव वेराव वाले भी कोई घेराव नहीं करेंगे ये गेट के बाहर खड़े होंगे जो बच्चे मुझे जानते हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं आपको पता है अगर मुझे जाना होगा तो मैं वहाँ चेयर पर्सन से बात करके के आऊँगा आपको फोटोज़ मिलती है हमारी बात करने के आने के बाद हाँ गेट के बाहर खड़े होकर एक पोस्टर लगा के मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैं आया था लेकिन इसके आगे कोई कुछ नहीं दिखाएगा तो ये सिर्फ फालतू की चीज़ें चल रही हैं रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली आएगा और ऐसा नहीं रिजल्ट में काम नहीं चल रहा या उन पर प्रेशर नहीं है या उनके पास ई नहीं जा रही है मैं खुद कल ई डाल दूंगा फॉर्मैलिटी पर्पज वो आएगा रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट दो तीन दिन में आ जाएगा किसी का गला मत दबाओ रिज़ल्ट के लिए जल्दबाजी में किसी को परेशान करके डरा धमका के रिजल्ट निकलवाओगे फिर बोलोगे रिज़ल्ट गलत आ गया है परसेंटाइल में मेरा 99 नाइन परसेंटाइल है मैं फेल हूँ मेरे दोस्त का एट्टी एट है ये पास है रिजल्ट एक सेंसिटिव चीज़ है एक सेंसिटिव चीज़ उस पर जल्दबाजी करना या उन्हें परेशान करना या उनका घेराव करना ये सब मुझे ठीक नहीं लगता अगर कोई करना चाहता है करे और जो करना चाहता है वो आप भी जानते हो कितने घेराव होने वाले हैं आपको ही पता है जब एक्चुअल लड़ाई थी ग्राउंड पे तो कोई आया नहीं मैंने आवाज उठाई एग्जाम कैंसिल करवाओ क्योंकि लीक हो रहा है पेपर तब कोई साथ नहीं आया और जब मैंने क्लियरली एक बात बोली थी कि री एग्जाम होगा तो अगला एग्जाम आपका दिसंबर में नहीं होगा शायद पंद्रह जनवरी को होगा बीस जनवरी को होगा बहुत से लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे और कल आपको नई वीडियो देखने को मिलेंगी कि कब होगा एग्जाम और वो मेरे डेट्स के अकॉर्डिंग एक टेंटेटिव डेट दे देंगे नॉर्मली फर्स्ट वीक को एग्जाम होना चाहिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आइडियली कब एग्जाम होना चाहिए वो फर्स्ट वीक फरवरी फरवरी फर्स्ट वीक पर मैं भी खुद को सेफ लेके चल रहा हूं क्योंकि हमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अगर मेरे बोलने से एग्जाम दो चार चीजें ऊपर नीचे हुआ दो चार दिन ऊपर नीचे हुआ तुरंत कहेंगे ओहो इसे कुछ नहीं पता है हाँ आपकी बात सही है यूट्यूब पे आने के बाद लोग हमें टीचर्स नहीं समझते हैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट करने वाला यूट्यूबर समझते हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि एक भीड़ में आने के बाद आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना इमेज मेंटेन करना इट्स नॉट इजी बट आज भी मैं जो बोल रहा हूँ मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ किसी को उसको अच्छा लगे उस लिए नहीं बोल रहा हूँ रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली आएगा इतना बड़ा एग्जाम हुआ है मल्टीपल बार एग्जाम हुआ है चार सितंबर को भी एग्ज़ाम हुआ है तो किस लिए हुआ है रिजल्ट के लिए हुआ है तो रिजल्ट तो हंड्रेड परसेंट आएगा लेकिन हवा कर कर करके डरा धमका के जल्दबाजी में रिजल्ट आ गया ना फिर आप बोलोगे सर प्लीज फाइट फॉर मी मेरे दोस्त के और मेरे मार्क्स एकदम बराबर हैं पिछले रिजल्ट में क्या हुआ था मेरे मार्क्स मेरे दोस्त के मार्क्स सेम कैटेगरी सेम नेम सेम एवरीथिंग एक पास है एक फेल है बहुत नई चीज़ नहीं है आप नए स्टूडेंट हो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपको नहीं पता होगा यूजीसी में रिजल्ट की धांधली होना बड़ी बात नहीं है रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना बड़ी बात नहीं है हाँ एक और चीज क्या मैं यहां प्रोटेस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हां कर सकता हूं क्यों नहीं कर सकता यूजीसी गेट पे जाके हम खड़े हो जाएंगे वो हमसे बात करेंगे डेलीगेशन बात करेगा पर वो बात करके क्या बोलेंगे वो प्रोफेसर बोलेंगे सर आने वाला रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाएगा तीन दिन में आ जाएगा तो घेराव करने से क्या होगा सपोज आपने झूठा एक वीडियो बना के घेराव कर दिया तो वो थरथर कांपने लगेंगे कि जल्दी से रिजल्ट दे दो नहीं और अगर जल्दबाजी में रिजल्ट देंगे तो तुम फेल हो जाओगे रिजल्ट सेंसिटिव चीज है एक एक बच्चे का प्रॉपर वहां पर जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स हैं फिर उसका क्या परसेंटाइल बन रहा है चूंकि नॉर्मलाइजेशन होगा वो पास है नहीं है क्या कट ऑफ है ये तीन से चार लेयर्स पे चेक होता है तीन से चार लेयर पे चेक होने के बाद फाइनल मोहर उस पर लगेगी कि हां इस रिजल्ट को अनाउंस किया जाए तो चूँकि हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर समझता हूं कि आप बच्चे इतने पैनिक में क्यों हैं क्योंकि एन ने अपनी इमेज बर्बाद कर ली है एन टी ए हैज़ बिकम नेशनल टॉर्चर एजेंसी नॉट ट्रस्टेड एजेंसी बाकी बहुत सारे नाम आप जानते ही हैं तो आप अपनी जगह गलत नहीं हो क्योंकि आपको लग रहा है कि यार इन्होंने एग्जाम में धांधली की है इन्होंने फॉर्म फिलिंग्स एंड सब में गड़बड़ की है ये रिजल्ट में ना कर दें तो चांसेस हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है चांसेस हैं रिजल्ट गड़बड़ होने के हाँ अगर रिजल्ट गड़बड़ हुआ मैं लड़ूंगा पहले भी आवाज उठाइए फिर आवाज उठाऊंगा अगर रिजल्ट गड़बड़ हुआ आप इसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे शायद आपसेंट को बारह परसेंट करवाने के लिए भी हम प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे हल्ला बोल दिया हमने जाके रिजल्ट में गड़बड़ होगी आई विल फाइट लेकिन हर छोटी मोटी चीज के लिए आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ विदाउट अ कॉज मुझे वो योद्धा नहीं बनना जिसे युद्ध की जरूरत नहीं बस वो किसी से लड़ जाता है जहां जरूरत होगी जंग होगी तो आजादी के लिए लड़ लेंगे आपके लिए लड़ लेंगे आपके हक हक के लिए लड़ लेंगे पर मैं यह नहीं कह सकता ना कि आज बारिश नहीं हुई प्रोटेस्ट करते हैं आज मूड अच्छा नहीं है प्रोटेस्ट करते हैं आई डू दैट सो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो जेनली प्रोफेसर बनना चाहते हैं जिनके अंदर थॉट हैं जिनके अंदर गंभीरता है व्यवहार में गंभीर होना अगर आप गंभीर हैं समझदार हैं आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो आप जानते हैं रिजल्ट आएगा दो दिन तीन दिन में आएगा अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल्स में भी था मीडिया भी कह रहा था रिजल्ट आएगा क्योंकि उनको भी लीक हुआ कहीं से कि रिजल्ट आने वाला है ठीक है तो जैसे ही दस बारह अखबार बोलेंगे रिजल्ट आ रहा है पाँच सौ छः सौ यूट्यूबर बोलेंगे रिजल्ट आ रहा है आ जाएगा और अभी कौन प्रोटेस्ट करने जाएगा घेराव करने या कौन कुछ करने जा रहा है इसमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कभी ग्राउंड रियलिटी देखने तो बोलना कि मेरे को ले चलो घेराव में मुझे देखना कितना घेराव है कोई कोई कुछ घेरा घराव नहीं होने वाला है ये सब बेवकूफिया हैं जब जरूरत थी तब कोई आया नहीं जब अकेला लड़ रहा था मैं कि देखो गड़बड़ हो रही है और मैं प्रूफ के बेस पर लड़ रहा था तब कोई आया नहीं और वही जब अगले दिन एग्जाम कैंसिल हो गया तो कहते हैं विनीत पांडे ने एग्जाम कैंसिल करवा दिया हाँ क्योंकि एक आदमी जग रहा था डेमोक्रेसी में एक आदमी भी अगर सही है तो वो सरकारों के फैसले पलट सकता है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार आपने केश में देखा होगा एक आदमी भिड़ गया था सरकार से तो वहां मैं एग्जाम के लिए भिड़ा उससे पहले भी एक बार एग्जाम कैंसिल करवा चुका हूं लेकिन चूंकि रिजल्ट से रिलेटेड कोई ज़रूरत नहीं है तो यह एक ऐसा वॉर है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें जाने की जिसमें कोई जरूरत नहीं है रिजल्ट आएगा नेक्स्ट दो तीन दिन चार दिन में आ ही जाएगा कहीं नहीं भाग सकते हो उनको सिर्फ रिजल्ट का टेंशन नहीं है यह भी चांस है कि रिजल्ट के साथ नेक्स्ट फॉर्म्स अनाउंस कर दें वो नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल भी अनाउंस कर सकते हैं एक तरफ रिजल्ट आएगा और अगले एग्जाम का पूरा शेड्यूल अनाउंस हो सकता है लास्ट टू लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था तो आप सिर्फ अगर एक्चुअली समझदार हो तुम एक्चुअली चैंपियन हो जे मटेरियल हो तो जो होना है वो होगा कर्म निर्वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन अपना काम करो अपने एग्जाम के लिए पढ़ो अपने अगले एग्जाम के लिए पढ़ो ये मत सोचो तुम हंड्रेड पास हो तो एंजॉय कर रहे हो तब तक अपने आप को जीता हुआ मत मानो जब तक जीत ना जाओ जब तक जीत का सहरा पहन ना लो तब तक जीता मत मानो मैं अगर आपकी जगह होता मैं अपनी पढ़ाई करता मैं अपने लूप होल्स पर काम करता मैं अपने वीक टॉपिक्स पर काम करता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट आ रहा है कि नहीं अगर पैनिक भी होता तो भी मैं पढ़ता अगर नर्वसनेस भी होती तो भी मैं पढ़ता क्योंकि अल्टीमेटली चाहे हारूँ चाहे जीतूँ पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि नेट के बाद आपको फिर पी में जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने पड़ सकते हैं तो अपनी पढ़ाई करो विद दिस मैसेज जितने स्टूडेंट्स यूजीसी के CUT, PGK, या किसी भी चीज के केस बी ई एम आर एस दिवाली ऑफर चल रहा है दिवाली डिस्काउंट अगर आप पेपर वन के स्टूडेंट हैं आपका पेपर टू कुछ और है यू विल गेट आवर ऑफलाइन बैच पेपर वन क्लास हमारी दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच पेपर वन क्लास भी आपको ऐप आप के थ्रू मिल जाएगी ऐप का लिंक आपको कमेंट में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऐप को डाउनलोड करो बहुत सारा फ्री मटेरियल है बहुत सारी फ्री क्लासेस पेपर वन पे फ्री क्लासेस इंग्लिश पे फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स भी बहुत सारे हैं तो अगर आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करते हैं और क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विद रेगुलर अपडेट तो आप ऐप को डाउनलोड करो दिवाली डिस्काउंट चल रहा है बहुत बड़े हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं बड़े बड़े डिस्काउंट तो अगर आप पेपर वन की क्लासेज भी गूगल ड्राइव चाहते हैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सब कुछ मिलेगा पढ़ाई करते रहो चाहे तुम जे टॉप कर जाओ तो भी पढ़ते रहना मैं यहाँ दो बार जे करके इसलिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि दो बार जे है मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि दोनों जे होने के बाद भी मैंने पढ़ना बंद नहीं करा आप आज भी देख सकते हो मेरे पीछे तो जो बच्चे एक्चुअली चैंपियन मटीरियल है बॉर्न टू बी ए चैंपियन उनको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ जो होना है वो होगा उसके हाथ में तुम पास होगे, तुम फेल हो गए तुम टॉप करोगे उसके हाथ में पर तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है मेहनत तो अपनी मेहनत करते रहो पढ़ते रहो जो होना है वो होगा जो लिखा है वो होगा तो सिर्फ मेहनत करो आने दो रिजल्ट ऊपर वाले पे विश्वास करो अपनी मेहनत पे विश्वास करो होई है सोई जो राम रची राखा विद दिस मैसेज सब्सक्राइब द चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच टेक केयर